नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है। भारतीय टीम को लेकिन मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा है। कप्तान विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे। केएल राहुल ने टॉस के वक्त बताया कि विराट कोहली को चोट लगी है और उनकी बैक में दिक्कत है, यानी उनके कमर में खिंचाव है, इसी वजह से उन्हें आराम दिया गया है। उम्मीद है कि अगले टेस्ट मैच तक विराट कोहली फिट हो। हालांकि कोहली के कैपटाउन में खेले जाने वाले तीसरे और सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में खेलने के आसार हैं। विराट कोहली के जोहानिसबर्ग टेस्ट से बाहर होने का मतलब है कि अब वो साउथ अफ्रीका में अपना 100वां टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। कोहली अब तक 98 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ऐसे में जोहानिसबर्ग में वो अपना 99वां टेस्ट मैच खेलते और फिर कैपटाउन में 100वां। लेकिन इंजरी ने उन्हें 100वां टेस्ट मैच खेलते देखने के लिए भारतीय फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कोहली अब अपना 100वां टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेल सकते हैं। जोहानिसबर्ग टेस्ट में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो विराट कोहली की जगह तो हनुमा विहारी को जगह मिली ही है। हनुमा विहारी लंबे वक्त से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेला था। विराट कोहली का दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना टीम इंडिया के लिए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है। दरअसल इसके पीछे जोहानिसबर्ग में उनका रिकॉर्ड है। विराट कोहली वांडरर्स मैदान पर सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज तो है ही, साथ में जॉन रीड के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज भी हैं। विराट कोहली ने जोहानिसबर्ग में 310 रन बनाए हैं, वहीं जॉन रीड के नाम 316 रन है। यानी नहीं खेलने से विराट कोहली के हाथ से रीड के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी फिसल गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।